देश भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे चौथी लहर के आने का खौफ बढ़ रहा है। लखनऊ, हरियाणा समेत कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2067 नए मामले सामने आए हैं। नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में करीब 66% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कल मंगलवार को 1247 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो कोरोना से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,22,006 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,47,594 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 1,547 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,13,248 हो गई है। नए मामलों के बढ़ने के कारण अब एक्टिव मामले भी बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 12,340 है। सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186,90,56,607 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 17,23,733 कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 632 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र ने इन राज्यों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।